नेपाल की जनता में गर्मी बढ़ रही है। इस गर्मी को बढ़ाने के पीछे नेपाल की चतुराई बहुत हद तक प्रयासरत है। खास बात यह है कि नेपालियों की मानसिकता भारत के हितों के अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब नेपाल ने जानबूझकर काला पानी और लिपु लेक के जिस मसले को उठाया है वह मुद्दा कभी भी विवाद का विषय नहीं रहा। नेपाल का तर्क है कि दोनों ही क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आते हैं, जबकि भारत ने 31 अक्टूबर को जारी राजनीतिक नक्शे में इन्हें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिले में दिखाया है। पर नेपाल भूल रहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। भारत के सभी पुराने मैप में भी इन क्षेत्रों को भारत में ही दिखाया गया है, फिर उसने इससे पहले क्यों उछल कूद नहीं की। दरअसल इसके पीछे चालाक चीन की सोची समझी रणनीति काम कर रही है, जिसमें उसका साथ दे रही है नेपाल की सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। चीन द्वारा नेपाल तिब्बत सीमा पर जो सड़क परियोजना चलाई जा रही है, वहां पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने नेपाल की लगभग 36 हेक्टेयर भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। पिछले 3 हफ्तों से नेपाल में कुछ गैर कम्युनिस्ट संगठन इस विषय को मुद्दा बनाकर ओपी कोली सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, मगर 31 अक्टूबर को जारी भारत के नक्शे को मुद्दा बनाकर चीन ने अपने संबंधों के द्वारा नेपाली कम्युनिस्ट को भारत के खिलाफ भड़काने का षड्यंत्र रचा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन ने कल सैकड़ों की तादाद में काठमांडू के लैंचोर स्थित भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व जिस केसी लक्ष्मी ने किया वह चीनी इमदाद पर पलने वाला छात्र नेता है, जो नेपाल में कम्युनिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाना जाता है। चीन ने नेपाल में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की उत्पत्ति करके 2 काम किए हैं। इससे नेपाल में जहां भारत के प्रति विरोध बढ़ रहा है और उसे नेपाल में खलनायक बनाया जा रहा है, वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते आराम से नेपाल की भूमि कब्जाने में जुटा है। चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल में उसके खिलाफ कोई चू चपड़ तक नहीं कर रहा है, बल्कि इसके उलट बेलिया शांति द्वार के नीचे सोनोली भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाली छात्रों ने भारत के विरुद्ध विस्तारवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। यानी भारत द्वारा किए गए लाड़ प्यार ने बच्चे को शरारती होने के साथ साथ उदंड भी बना दिया है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से ही लिपुलेख में भारत की चौकियां मौजूद है। भारत चीन के बीच वर्ष 2014 में गलियारा खोलने पर भी बात हुई थी। यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का भाग है, जबकि आज नेपाल कह रहा है कि यह हिस्सा उसके धारचूला जिले में आता है। खास बात यह है कि इससे पहले नेपाल ने इस पर कोई हो हल्ला नहीं किया, लेकिन भारत के लाड़ प्यार की वजह और चीन पर निर्भरता के चलते आज इस मुल्क के पर निकल आए हैं। नेपाल अब यहां तक दावा कर रहा है कि काला पानी और लिपुलेक को उसने तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी से एक समझौते के अंतर्गत हासिल किया था, पर मामला यहां तक नहीं है। नेपाल इस वक्त चीन के इतने प्रभाव में आ चुका है कि वह भारत की छत्रछाया से मुक्त होने के लिए हर बार नए नए हथकंडे प्रयोग कर रहा है। काला पानी और लिपुलेक भी उसी पैतरेबाजी का नया सगुपा है। नेपाल में मौजूद कम्युनिस्ट सरकार निरंतर चीन की ओर झुक रही है। भारत से नेपाल के रिश्ते केवल औपचारिकता भर रह गए हैं। यह संबंध वर्ष 2015 में तब अधिक बिगड़े जब नेपाल के संविधान मसौदे को लेकर मधेशियों ने आंदोलन किया था। हालांकि 2016 में नेपाली प्रधानमंत्री ओपी शर्मा कोली ने भारत का दौरा करके भारत के साथ बेहतर संबंधों की प्रतिबद्धता दोहराई थी, मगर यह सब ख्याली पुलाव साबित हुए। भारत और नेपाल के रोटी बेटी वाले रिश्ते को नेपाल ने अपनी कूटनीतिक चाल से ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है। इसकी एक बड़ी वजह भी है, नेपाल जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी बन गया है और उसे लगता है कि भारत उसकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है, इसलिए उसका झुकाव चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है, जबकि नेपाल अभी तक भी चीन के इतिहास से परिचित होना नहीं चाहता। आने वाले वक्त में इस हिमालयी देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और संभवतः तब भारत भी इसे चीन के शिकंजे से नहीं बचा पाएगा। पर फिलहाल नेपाल कल्पित घोड़े की उड़ान पर सवार है, जिस पर उछलकर यह बैठ तो गया है, लेकिन उसको आभास नहीं है कि यह घोड़ा पैर विहीन है। इसलिए जिस दिन नेपाल धरातल पर गिरेगा तो उसके लिए उठना बहुत ही मुश्किल होगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।